बैठ जाइए। श्री अजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजय कुमार सिंह नहीं पूछेंगे, श्री ऋषि कुमार, माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार नहीं पूछेंगे, श्री चंद्रशेखर, माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर, माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, ये उचित नहीं है। एक जो सदन का विषय नहीं है यहाँ उठाना और सदन के समय को बर्बाद करना, जनता के हित के सवालों पर सदन को अव्यवस्थित करना, ये उचित नहीं। बैठिए अपने जगह पर, माननीय सदस्य अपने जगह बैठिए। सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। डॉक्टर रामानुज प्रसाद, डॉक्टर रामानुज प्रसाद नहीं पूछेंगे। श्री अजीत शर्मा, माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री शकील अहमद खां, माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खां, भाई वीरेंद्र, श्री पवन कुमार जायसवाल, उत्तर संलग्न है, प्ले कार्ड हटवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि राज्य में 6,13,000 दिव्यांगजन प्रमाण पत्र रहते हुए भी उनको अभी तक 4,97,000 को अभी तक उपकरण नहीं मिला है, 2,14,300 विधवा को अभी तक पेंशन नहीं मिला है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक बचे हुए लोगों को, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और पेंशन देने का सरकार विचार रखती है। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, बैठ जाए आप लोग अपने जगह पर। लो, बहुत मेहनत से 7% प्रश्नों का जवाब आया है। सरकार, उसकी सजगता, प्रशासनिक पदाधिकारी पूरा मेहनत करके प्रश्न लाता है, इस तरह से मत करिए। नहीं, ये नहीं चलेगा, अराजकता मत फैलाइए। बैठिए अपने जगह पर, आपको रखिए। कोई बात आपका प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। कोई माननीय सदस्य का हम लोगों ने उत्तर उपलब्ध करा दिया है। जो वृद्धजन का पेंशन से संबंधित मामला है, इसका सत्यापन अभी चल रहा है। सत्यापन के उपरांत हम लोग जो है सभी को उनके खाता में डीबीटी के माध्यम से राशि भेज देते हैं। जहां तक सवाल है इनका, माननीय सदस्यों का, जो दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र का, तो 50 लाख के लगभग पूरे बिहार में दिव्यांगजन है। इसमें से हम लोगों ने 15 लाख लोगों को प्रमाणीकरण किया है। शेष जो बचे हुए हैं उनके लिए हम लोग कैंप भी लगाते हैं और PHC के माध्यम से भी उनका प्रमाणीकरण किया जाता है। उसको तेजी से करने के लिए हम लोग कैंप का भी सहारा लेते हैं और जो हमारे दिव्यांगजन है उनका हम लोग 100% चाहते हैं कि उनका प्रमाणीकरण हो जाए। और जिनका प्रमाणीकरण हो चुका है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो दिव्यांगजन है, जो छात्र है और जो काम करने वाले लोग हैं, स्वरोजगार करने वाले लोग हैं, और उनको घर से दूर जाना पड़ता है, खास करके जो हमारे छात्र हैं उनको दूर जाना पड़ता पढ़ने के लिए, तो उनके लिए अभी जो है ट्राईसाइकिल, जो मोटराइज ट्राईसाइकिल है, उसको भी हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान किया है और वह भी हम लोग उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। साथ ही जितने दिव्यांगजन हैं उनको कैंप लगा करके भी हम लोग मेला के माध्यम से ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण जो है, जिनको जो आवश्यकता है, उसको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो यह काम जारी है और जो शेष बचे हुए हैं उनको भी इसमें हम लोग शामिल करते रहते हैं। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि, और सरकार का जवाब भी है कि 8,02,000 दिव्यांगजन है जिसको पेंशन मिलता है,
मेरा ये कहना है कि 6,13,000 दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनको प्रमाण पत्र है लेकिन उनको उपकरण नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? माननीय मंत्री जी समाज कल्याण। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो पहले ही कहा कि जो भी दिव्यांगजन है, अभी तो हम लोगों ने जो छात्र हैं और जो स्वरोजगार करने वाले हैं उनको लिए भी सिर्फ ट्राईसाइकिल है बल्कि मोटराइज ट्राईसाइकिल देने का प्रावधान किया है। जो शेष बचे हुए हैं कैंप लगा करके अनुसार सभी को हम लोग जो सहायक उपकरण है वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बैठ जाइए माननीय सरकार, अपने स्थान पर बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार कब तक उन लोगों को उपकरण देने का विचार रखती है? और 2,97,000 जो विधवा पेंशनधारी बचे हुए हैं जिनका पेंशन में नाम है लेकिन उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को कब तक सरकार पेंशन देने का विचार रखती है? सत्यदेव आर्य जी, डिस्टर्ब करिएगा बाहर कर देंगे। अगर जो कार्यवाही को डिस्टर्ब करिएगा बाहर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट पूरक प्रश्न है कि जो दिव्यांगजन उपकरण से वंचित हैं उनको क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उपकरण देने का विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री जी, हम लोग कैंप लगाकर जल्द से जल्द जितने भी शेष बचे हुए दिव्यांगजन उनको भी उपकरण उपलब्ध कराएंगे और जो जिनके बारे में विधवा पेंशन के बारे में माननीय सदस्य कर रहे हैं तभी हम लोग सत्यापन का काम करेंगे।